तो गाइस ये व्लॉग का पार्ट टू है, तो अगर आपने अभी तक के व्लॉग का पार्ट वन नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ जल्दी जल्दी देखो और फिर इस व्लॉग में कंटिन्यू करना। ओके सो गो। तो गाइस हमें कंप्यूटर लैब में, और ये चल रही है मेरी केमिस्ट्री की क्लास। और गाइस यहाँ पर मैं बहुत सीक्रेटली शूट कर रहा हूँ नीचे कैमरा रख के, और अगर गाइस मैं यहाँ पर पकड़ा जाता तो समझ रहे हो आप। तो गाइस इस क्लिप के बारे में क्या ही बोलूँ मैं आपको। मैं अपना फ़ोन पॉकेट में डालकर और चालू छोड़ दिया था मैंने कैमरा। तो गाइस ये है मेरा क्लासमेट प्रणय रामटेक। तो गाइस फाइनली पूरा कॉलेज टेन्योर पूरा हो चुका है मेरा, और अब मैं घर की ओर निकल रहा हूँ। देन हम देखेंगे, इस बार मैं पूरी ट्राई करूँगा कि मैं आपको बसेस की क्लिप्स दिखा सकूँ। तो गाइस क्योंकि मैं यहाँ से 18 किलोमीटर दूर रहता हूँ, तो अब मुझे रिटर्न बस स्टॉप पे जाना पड़ेगा, देन वहाँ से बस लेकर और मैं फिर घर वापस आऊँगा। यार मतलब समझ रहे हो इतना लंबा टेन्योर, और गाइस फिर भी इतने लंबे टेन्योर में मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ, फिर भी आप लोग यार एक लाइक नहीं करते हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को। तो फाइनली गाइस मैं बस स्टॉप पर पहुँच ही गया हूँ, देन वहाँ से अब हम लेंगे डायरेक्टली बस एंड अब डायरेक्टली जाएंगे घर। वैसे गाइस यार यहाँ पर रोड तो काफ़ी है बट जगह बहुत अच्छी है, मतलब एकदम प्लेजेंट माहौल है यहाँ का। एंड बस स्टॉप पे जाकर तो कुछ प्लेजेंट नहीं रह जाता, मतलब बहुत सारे पैसेंजर्स आ जाते हैं वहाँ पे। तो गाइस वैसे एक अमेजिंग सी बात बताऊँ, मैंने ये व्लॉग कल शूट करने का ट्राई किया था एंड मैंने आधा शूट भी कर लिया था, बट मैक्सिमम टाइम मतलब अचानक से पता चला कि यार फ़ोन की बैटरी डेड होने वाली है, तो व्लॉग भी आधा छोड़ना पड़ा। बट आज मैं फाइनली ये व्लॉग कंप्लीट कर लूँगा, घर जाते तक सारा का सारा शूट कर लूँगा। तो फ़िलहाल तो चलो चलते हैं अब बस स्टॉप पर और बस में चलते हैं। तो बस में चढ़ते वक्त तो मैं एक्चुअली व्लॉग शूट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मतलब मैक्सिमम भीड़ होती है वहाँ पे। तो गाइस मैं वहाँ के अंदर जाकर व्यूज़ तो दिखा सकता हूँ कम्प्लीटली। तो गाइस मैं आ गया हूँ बस के अंदर, अब यहाँ से ज़्यादा क्लिप्स तो नहीं पर थोड़ी बहुत बाहर के व्यूज़ शूट कर सकता हूँ जब तक कि हम बस स्टॉप तक पहुँच नहीं जाते। तो ओके बने रहिए। वैसे घर तो ठीक ठाक है बट यार गाइस यहाँ का स्काई देखो कितना ऑसम दिख रहा है। देखो भाई मतलब ऑसम गाइस, एकदम ग्रीनरी ब्लूइश व्यू है सनसेट टाइप। तो वैसे शाम हो गई मुझे आते आते आई थिंक 4 तो बजे। वैसे गाइस घर पहुँचते आई थिंक मुझे 5:20 या 5:10 तो हो ही जाएंगे, मतलब ऑलरेडी अभी 4:50 हो गए हैं और मैं मतलब आधे रास्ते में आया हूँ। गाइस ये देखो यहाँ पे भी स्काई बहुत अच्छा दिख रहा है, बट मैं इसी स्काई से याद आया कि यार मैं अब नेक्स्ट व्लॉग मेरा वर्कआउट व्लॉग आने वाला है। बहुत सारे मतलब मेरे फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट थी कि यार अपना वर्कआउट व्लॉग बनाना, तो नेक्स्ट व्लॉग देखना मत भूलना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस बस अब मेरा बस स्टॉप आने वाला है, स्टॉप आने वाला है आई मीन मतलब जहाँ मेरा घर है। तो अब मैं जा रहा हूँ गेट के पास, देन वहाँ से उतर कर हम जाएंगे घर। तो गाइज ये है गेट का व्यू और बस मतलब बस स्टॉप आ ही गया, उतर रहा हूँ मैं बस। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं क्योंकि मतलब एकदम से उतरना रिस्की हो सकता है आपके लिए भी मेरे लिए भी फ़ोन के लिए भी, मतलब व्लॉग भी पूरा नहीं शूट हो पाएगा। तो गाइस फाइनली मैं घर पहुंचने वाला हूँ। तो दिन तो हमारा बहुत अच्छा गया नहीं, पूरे व्लॉग में आपने देखा यार बस सेक्शन मैंने मिस कर दिया, बस का सेक्शन नहीं दिखा पाया मैं, पर अगले व्लॉग में ज़रूर ट्राई करूँगा कि मैं दिखा पाऊँ। अब थोड़ी कुछ दूरी पर मुझे पैदल चलना पड़ेगा और देन आ जाएगा मेरा घर। तो यार उतना ज़्यादा कुछ मज़ा नहीं आया आज के दिन, बट नेक्स्ट व्लॉग में ट्राई करूँगा कि और भी अच्छी अच्छी चीज़ें मैं इंक्लूड कर पाऊँ। तो मैं फाइनली आ गया हूँ घर, और ये है आदि। आदि क्या कर रहा है तू? कपड़े सुखा रहा हूँ। कपड़े सुखा रहा है, वाह देखो गाइस सीखो कुछ मेरे भाई से, कपड़े सुखा रहा है वो।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगले ब्लॉग में। तो ब्लॉग खत्म, चलो भगोया से, और जाते जाते चैनल सब्सक्राइब कर देना।